रहमान रहीम। आज अपना 15 जून अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अजीगा के कैदीन की 4 घंटे तक लीव एनकैशमेंट और पेंशन और दूसरे मामलात पर बड़ी अहम मीटिंग हुई और जिसमें फैसला जात किए गए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो मरात मिल रही है उस पर गवर्नमेंट को किसी सूरत में कट नहीं लगाने देना, बेशक वो लीव एनकैशमेंट हो या फिर पे एंड पेंशन हो, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। और दूसरा ये कि जो वफाक में गवर्नमेंट ने बजट में ऐलान किया है, अगर पंजाब की गवर्नमेंट ने 1 टका भी उससे कम का ऐलान किया तो फिर हम भरपूर तरीके से उसकी मुजाहमत भी करेंगे और उसके खिलाफ ऐलान जिहाद भी करेंगे इंशाल्लाह। हमने जो फैसला किया है कि हमारी तहरीक 22 जून से शुरू हो रही है, पहला लाहौर डिवीजन में हमारा प्रोग्राम होगा जो नासर बाग में 22 जून को हमारे दोस्त इकट्ठे होंगे अकीका के प्लेटफार्म से और सेक्रेटेरिएट तक रैली निकालेंगे। इसी तरीके से 6 जुलाई को पिंडी में हमारा अकीका का कन्वेंशन होगा और वहां पर रैली निकाली जाएगी। उसके बाद 13 जुलाई को गुजरांवाला में हमारा प्रोग्राम होगा, कन्वेंशन होगा और रैली निकाली जाएगी। 20 जुलाई को सरकोटा में अकीका के प्लेटफार्म से जिसमें तमाम तंजीमें हैं वहाँ हमारा जलसा होगा, कन्वेंशन होगा और रैली निकाली जाएगी। 27 जुलाई को फैसलाबाद में, 3 अगस्त को भावलपुर में, 10 अगस्त को मुल्तान में, 24 अगस्त को साहिवाल में और 31 अगस्त को डीजी खां में हमारा प्रोग्राम होगा। और आखिरी जो हमारा प्रोग्राम होगा जो मेन होगा पूरे पंजाब के तमाम इजला से लोग 7 सितंबर जुम्मे रात को लाहौर में इकट्ठे होंगे और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। जहां पर धरना भी होगा और अपने मुतालबात के लिए बात भी होगी और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे मुलाजमीन यहां से नहीं हिलेंगे। मेरे तमाम मुलाजमीन जो व्हाट्सएप पर फोन पर ये बातें सुन रहे हैं वो होशियार हो जाएं, इन कन्वेंशन के लिए पूरी तैयारी कर लें। पहले 22 जून के लिए लाहौर के तमाम मुलाजमीन निकलेंगे और हमारी क्यादत जो है वो वहां पर आएगी और इस रैली की क्यादत करेगी। उसके बाद हर डिवीजन के और मुलाजमीन जो है वो सुन लें इस मैसेज को, जहां तक शेयर हो सकता है शेयर करें, आगे पहुंचाएं और जो सिर्फ फोन पर बातें करते हैं वो भूल जाएं। ये मामलात आपके निकलने के मुंतजर हैं, जितने आप निकलेंगे उतने ही आपको हकूक मिलेंगे, वरना इस गवर्नमेंट पर हमें कोई इतमाद नहीं है। जिस तरह लीव एंड कैशमेंट पर उन्होंने शब खून मारने की कोशिश की है ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। अब ये मुलाजमीन के कोर्ट में है, इंशाल्लाह हम इस हुकूमत को और फिर निगरान हुकूमत को ऐसा करने की जरूरत नहीं देंगे। हम अपना हक इंशाल्लाह लेंगे और इंसाफ पर मबनी लेंगे। हम अगर घी सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से हम निकालना जानते हैं, क्यों? हम पुरमन हैं, पुरमन रहते हैं, हम गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहते हैं और अपने हक के लिए मैदान में निकलते हैं। आपने हालिया 8 और 9 जून का एहतजाज इस्लामाबाद में जहां लाखों की तादाद थी फूल की पत्ती नहीं तोड़ी, हमने अपनी जानों पर धूप को बर्दाश्त किया, गर्मी को बर्दाश्त किया, वहां आपको पता कि किस तरीके से हमारे साथ ज्यादती भी हुई लेकिन हमने बर्दाश्त की और अपना हक लिया वहां से। इंशाल्लाह यहां से भी हमने हक लेना है। पंजाब अकीका खड़ी हो चुकी है, मैदान में आ चुकी है, एक ब्रांड बन चुकी है। इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से मुलाजमीन को
उनका हक लेकर देंगे देंगे देंगे। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अकीका जिंदाबाद, अकीका जिंदाबाद, अकीका जिंदाबाद। मुलाज़मीन इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाज़मीन इत्तेहाद जिंदाबाद, अकीका पंजाब जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं।